दोस्तों आज हम बैठे हुए हैं 14 लाख रुपए की गाड़ी में। आप लोग गैस करिए कौन सी है। मारुति की है, मारुति की 14 लाख की गाड़ी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये है मारुति की ब्रेजा गाड़ी और ये आपका जो वेरिएंट है ये आपका है ZXi CNG वेरिएंट। देखिए यहाँ पर ब्रेजा में आपको CNG में तीन ही वेरिएंट मिलते हैं, LXi, VXi, ZXi। और ZXi में एक आपका डुअल टोन वेरिएंट भी CNG में आपको मिल जाता है। तो ये है गाड़ी का प्रोफाइल, 1462 cc का इंजन आपको यहाँ में मिलता है और इसमें जो माइलेज है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 28 किलोमीटर पर kg का CNG में माइलेज आपको मिल जाता है गाड़ी में। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, माइलेज किंग आपकी ब्रेजा बन चुकी है अब यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर CNG अब ऐड कर दी गई है। और टॉप मॉडल जो टॉप सेकेंड मॉडल कह सकते हैं, लेकिन CNG का आपका है टॉप वेरिएंट यहाँ पर। इसमें आपको फीचर्स क्या क्या मिलेंगे वो सारे हम लोग जानेंगे यहाँ पर, देखेंगे वीडियो में पूरे। और यहाँ पर जो इंटीरियर है वो आप लोग एक झलक देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आता है इंटीरियर का व्यू। अभी हम लोग चलेंगे गाड़ी के बाहर, देखेंगे टोटल 7 कलर ऑप्शन मिलेंगे और यहाँ पर एक आपको मिल जाएगा ब्लैक कलर भी आप ब्रेजा में आपको मिल जाएगा। तो वो आप लोग अगर अपनी डिमांड पर अगर चाहते हैं तो वो आप कलर ये वाला ब्लैक वाला ले सकते हैं। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इससे गाड़ी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपको चाहिए, कोई भी इंक्वायरी चाहिए आप लोग को, तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी, आप लोग कॉन्टैक्ट भी कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ में, और भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर आपको इसी तरह के कार वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। तो चलते हैं गाड़ी के बाहर और जानते हैं एक्सटीरियर में, देखेंगे हम लोग इसका कैसा व्यू आता है। तो ये है देखिए यहाँ पर गाड़ी का वाइट कलर आपके सामने है और ये आपको सामने देखने को मिल जाता है वाइट कलर, जो कि बहुत ही प्यारा सा लुक दे रहा है CNG का ZXi मॉडल। यहाँ पर बोनेट आप लोग देखेंगे, बल्कि बोनेट आपको यहाँ पर मिल जाता है बड़ा सा, और यहाँ पे जो कि यहाँ पे ह्यूज लुक देता है आपको गाड़ी को, भारी भरकम लुक यहाँ पर देता है। और इस जगह देखिए मिलते हैं गाड़ी में दो प्रोजेक्टर में हेडलैम्प्स मिलते हैं, DRL आपको साइड में LED में यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और ये इसका जो लुक है बहुत ही प्यारा सा आपको मिलता है। यहाँ पर फॉग लैंप का ऑप्शन है, वो आपको यहाँ पर बाहर से लगवानी पड़ेंगे फॉग लैंप। बाकी जो इसका बोनट का फ्रंट का व्यू ग्रिल का है वो आप लोग देखिए, तो यहाँ पर आपको ग्रिल में देखिए क्रोम फिनिश यहाँ पर दोनों साइड मिल जाता है, सुजुकी का क्रोम फिनिश में लोगो मिलता है, ये ग्रे फिनिश में आपको यहाँ पर लुक मिल जाता है। और जो बम्पर है वो आपको ब्लैक फिनिश में मिलेगा और यहाँ पर बम्पर में इस जगह आपको सिल्वर फिनिश ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये जो इसका फ्रंट व्यू है ये आपका बहुत ही प्यारा सा लुक है यहाँ पर, यहाँ से देख सकते हैं ये डिजाइन जो है इस गाड़ी का बहुत ही प्यारा है और मार्केट में ये बेस्ट SUV के नाम से जानी जाती है मारुति की। यहाँ पर ग्रैंड विटारा आ चुकी है लेकिन आज भी इस ब्रेजा की डिमांड जो है वो कम नहीं हुई है अभी तक। ये आता है गाड़ी का साइड प्रोफाइल यहाँ से, और ये देख सकते हैं ये है गाड़ी का पूरा साइड व्यू यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए व्हील्स देखिए, तो आपको ब्लैक फिनिश में, पियानो ब्लैक फिनिश में आपको व्हील्स मिल जाते हैं यहाँ पर। और इनका जो व्हील का साइज है वो 16 इंचेस का आपको मिलेगा। और इसमें जो फ्रंट में है डिस्क ब्रेक मिलेगा, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाएंगे, साइड में आपको ब्लैक फिनिश में क्लैडिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। ORVM है आपको, ये बॉडी कलर्ड है वाइट कलर और ब्लैक फिनिश में मिलते हैं, विट इंडिकेटर ऑटो फोल्ड फीचर के साथ में, और यहाँ पर आपको ये ब्लैक फिनिश मिलता है। इस जगह आपको देखिए मिल जाते हैं डोर हैंडल रिक्वेस्ट सेंसर के साथ में, दोनों साइड ड्राइवर साइड को ड्राइवर साइड दोनों साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा। क्लैडिंग बड़ी सी आपको डोर में ही देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आपको मिल जाएंगी रूफ रेल सिल्वर फिनिश में देखने को मिलती है गाड़ी में। और यहाँ पर जो हैगा यहाँ पर फ्यूल लिड है, इसको ओपन करके आपको दिखाते हैं, रेक्टेंगल शेप है। यहीं पर आपको क्या मिलेगा, पेट्रोल फिलिंग का जो ऑप्शन है और CNG फिलअप का है वो दोनों मिलेंगे। यहाँ से ओपन करते हैं फ्यूल लिड को और वो आपको दिखाते हैं, जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो आता है यहाँ पर, ये देख पाएंगे ये आती है फ्यूल लिड और यहाँ पर ये आता है पेट्रोल फिलअप का, यहाँ पर CNG फिलअप का एक छोटा सा नॉब आपको मिलेगा, बस हल्का सा कैप है और यहाँ से इस तरीके से इसको यहाँ पर रख देंगे, बस इस तरीके का आपको कैप यहाँ पर देखने को मिलता है। उसको करते हैं क्लोज, आप देखते हैं गाड़ी का जो बैक प्रोफाइल है, तो बैक प्रोफाइल देख पाएंगे ये आता है इसका, जो गाड़ी का रियर व्यू बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। यहाँ पर क्या क्या मिलता है, तो टेल लैंप में देखेंगे आपको रेड कलर ये है LED में मिलता है, स्टॉप लाइट है, यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर है, रिवर्स पार्किंग लाइट यहाँ पर आपको मिलती है। और गाड़ी में देखिए बैक में यहाँ पर क्या मिलेगा, ब्रेजा लिखा हुआ मिल जाता है ये आपका क्रोम फिनिश में, यहाँ पर सुजुकी क्रोम फिनिश पे लोगो मिलता है। बैक में एक आपको वाइपर मिल जाएगा, डिफॉगर्स मिल जाते हैं, CNG का स्टीकर है यहाँ पर, हाई माउंटेड स्टॉप लाइट है, वॉशर आपको यहाँ पर मिलता है, अपर साइड में शार्क फिन में रेडियो एंटीना आपको मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। और यहाँ पर जो बम्पर है बैक का,
इस पर आपको चार रिवर्स पार्किंग के सेंसर मिलेंगे और यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्टर्स भी आपको यहाँ पर बम्पर में देखने को मिलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल शेप में, और ये आपको सिल्वर फिनिश में आपको यहाँ पर फाइबर में ये आपको मिल जाता है बैक का बम्पर। और यहाँ पर आपको रियर पार्किंग का एक कैमरा मिल जाएगा। इसका ओपन करते हैं बूट, हम लोग देखते हैं सीएनजी में वो कितना मिलता है। तो ये देखिए यहाँ पर जो टेलगेट है वो आपका इजीली ओपन हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पे हाइड्रोलिक्स जो है बहुत अच्छे हैं इसमें। और ये आता है यहाँ पर, ये ग्रैब हैंडल आपको इसमें मिलता है जो टेलगेट है, यहाँ पर ये आपको पूरा क्लोज्ड में फाइबर से मिलता है। और इस जगह आपको मिल जाती है एक ये पार्सल ट्रे है, यहाँ पर देखिए ओपन करेंगे यहाँ पर सीएनजी टैंक आपको मिलता है और इसको कवर कर दिया गया है यहाँ से इस तरीके से, थोड़ा सा अच्छा लुक आने की वजह से। यहाँ पर ये स्पेस, तो यहाँ पर छोटे छोटे जो कैरी बैग है वो आप रख पाएंगे क्योंकि यहाँ पर सीएनजी टैंक की वजह से जो बूट स्पेस है वो अब आपका ना के बराबर मिलेगा। यहाँ पर बाकी स्टेपनी आपको मिल जाती है तो आप लोग अब रिक्वायरमेंट के टाइम में इसको आप लोग निकाल सकते हैं यहाँ से, या ये स्पेस यहाँ पर इस साइड दोनों साइड आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये है, और इसमें देखेंगे तो 60-40 स्प्लिट कॉम्बिनेशन भी आपको यहाँ पर मिलेगा, ये जो यहाँ पर सीट्स हैं। चलेंगे अंदर, जानेंगे गाड़ी के फीचर्स क्या क्या हैं। ये तो है हमारी गाड़ी का एक्सटीरियर प्रोफाइल, और जो इसकी जो इसमें डोर्स हैं जो कहते हैं मारुति में थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी में लोगों को लगता है वो इसमें देखिए अच्छा खासा मिलेगा। जो डोर्स के साउंड है वो बहुत अच्छे हैं, डोर्स की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है अब यहाँ पर मारुति में इस ब्रेजा में देखने को मिल जाती है। क्वार्टर ग्लास का जो व्यू है यहाँ से देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर मिलता है जो कि एसयूवी लुक है, पूरा स्पोर्टी लुक देता है। और यहाँ पर ओपन करते हैं डोर को, तो ये आता है इसका डोर है वो आपको मिल जाता है यहाँ पर डुअल टोन में देखिए मिलेगा। क्लोथ का वर्क है वो आपको ब्राउन फिनिश कॉपर फिनिश मिलता है क्लोथ में, बाकी आपको ब्लैक फिनिश मिलता है। तो ये क्लोथ का वर्क है पूरा, यहाँ पर आपको ब्लैक फिनिश मिल जाता है, ये ग्रे फिनिश शाइनिंग में आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर आपको चारों पावर विंडोज, ड्राइवर सारा ऑटो अप डाउन मिलती है, लॉक अनलॉक की बटन है यहाँ पे, आपको ये ORVM ऑटो फोल्ड का बटन आपको मिल जाता है, ये एडजस्टमेंट का बटन है, मिरर लॉक का बटन है। यहाँ पर आपको देखिए मिलता है ये ग्रैब हैंडल है, बॉटल स्टोरेज यहाँ पर स्टोरेज है, स्पीकर आपको मिलता है और ट्विटर भी मिलता है, चार स्पीकर हैं और यहाँ पर आपको दो ट्विटर गाड़ी में मिल जाते हैं। और यहाँ से जो आएगा इंटीरियर का व्यू देखेंगे, अंदर चल के देखते हैं गाड़ी का व्यू। तो ये आती हैं सीट्स, यहाँ पर देखिए सॉफ्ट में सीट्स हैं और यहाँ पर कलर देख लीजिए, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा आपको दिया गया है। ये भी आपको, अगर यहाँ पर आप कवर नहीं लगाते फिर भी इसका जो लुक है बहुत अच्छा आएगा, बाकी तो कवर तो लोग लगाते ही हैं। और यहाँ पर जो आएंगे दो, ये आपको देखिए एडजस्टमेंट मिल जाते हैं सीट के, इंक्लाइनेशन वाला और सीट फोल्डिंग का। तो ये है, और यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं दोनों साइड आपको ये देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। बैठ के देखते हैं गाड़ी के अंदर की बात क्या देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, यहाँ पर आपको CNG और फ्यूल का जो पेट्रोल का ऑप्शन है उसका बटन मिलता है, स्टार्ट स्टॉप इंजन का आपको बटन यहाँ पर मिलेगा, क्रू फ्री साइड में है, और यहाँ पर आपको बोनट ओपनिंग का और ये फ्यूल लिड ओपनिंग का बटन मिलता है। यहाँ पर आपको देखिए आपको ब्राउन फिनिश ये मिल जाता है प्लास्टिक में, ये साइनिंग में आपको यहाँ पर मिल जाता है जो AC का वेंट है इसके साइड में। और इसको करते हैं क्लोज अभी हम लोग डोर को, और ये आता है देखिए जो स्टेयरिंग का व्यू है, तो यहाँ पर देखेंगे स्टेयरिंग का व्यू आपको मिलता है ब्लैक फिनिश में यहाँ पर ये पूरा सा। और यहाँ पर मिलते हैं वॉल्यूम के कंट्रोल्स, मोड का बटन, म्यूट का बटन है, और यहाँ पर आपको कॉल कनेक्ट, डिसकनेक्ट, वॉइस कमांड आपको मिलता है। क्रोम फिनिश में सुजुकी का लोगो, सर्किल में क्रोम फिनिश है, और यहाँ पर ये आपको राइट साइड में है क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, कैंसिल का बटन है, और स्टेयरिंग का कॉलम है वो देखते हैं तो ये आपको मिलेगा टिल्ट में, यहाँ पर केवल टिल्ट में आपको यहाँ पर मिलता है, बाकी जो टेलीस्कोपिक है वो ग्रैंड विटारा में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखते हैं ये लाइट्स के कंट्रोल हैं राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आपको वाइपर्स के, रियर वाइपर और फ्रंट वाइपर्स के कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर आपको रियर वाइपर और फ्रंट वाइपर्स के कंट्रोल यहाँ पर मिल जाते हैं। सामने मिल जाती है आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें आपको यहाँ पर मिलेगा लेफ्ट साइड में RPM है, MID ट्रिप डिस्टेंस किलोमीटर यहाँ पर मिलता है, राइट साइड में आपको 220 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड है, यहाँ पर ट्रिप के जो बटन है इससे आप लोग ट्रिप देख सकते हैं, यहाँ से इसको रीसेट का है जो MID का, इसको आप लोग एडजस्ट करने का बटन, टॉर्क, पावर वगैरह, जो एक्सीलरेशन, ब्रेक है, सारा इन्फॉर्मेशन, टोटल CNG मॉडल टाइम, ये आपको CNG कितनी है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर इस बटन से आपको देखने को मिल जाता है, ये वाली बटन है। तो यहाँ पर ये आता है, और यहाँ पर देखेंगे गाड़ी का जो डैशबोर्ड है ब्लैक फिनिश में आपको पूरा मिल जाता है यहाँ पर इसका लुक। और ये आता है 7 इंच का टच स्क्रीन है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले फीचर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और ये पियानो ब्लैक फिनिश जो है वो साइड में आपको पूरा देखने को मिलता है यहाँ पर। और इस जगह आएगा ये सिल्वर फिनिश आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा देखने को मिल जाता है, ये इधर तक कनेक्टेड में आता है पूरा। और यहाँ पर क्या मिलता है,
दो इसी के वैन सामने आपको मिलेंगे। पार्किंग लाइट की बटन आपको यहाँ पर मिल जाती है। ये है ब्लैक फिनिश, क्रोम का वर्क है छोटा सा, और ये आपको यहाँ पर देखिए पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में ग्लास एक मिलता है जिसमें आपको एसी फैन कंट्रोल की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। ये एसी कंट्रोल्स के मैनुअल बटन्स हैं। यहाँ पर 12 वोल्ट 120 वाट का सॉकेट आपको मिलता है। यूएसबी पॉइंट आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर मोबाइल का स्टोरेज है। यहाँ पर आपको मिल जाता है 5 गियर बॉक्स है आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। लेदर का कवर आपको यहाँ पर मिलेगा। हैंड ब्रेक है, क्रोम फिनिश बटन के साथ में मिलता है। यहाँ पर आपको देखिए मिल जाता है, ये की होल्डिंग स्पेस है। यहाँ पर दो कप होल्डर आपको यहाँ पर जो है रखने की स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो है इतना स्पेस अच्छा खासा है। यहाँ पर भी स्टोरेज आपको बैक में देखने को मिल जाता है। और गाड़ी में यहाँ पर देखते हैं इंटीरियर में, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर ग्लव बॉक्स। अब चलते हैं अपर साइड में, गाड़ी में देखते हैं वो क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर देखिए मिलेगी आपको ZXi में सनरूफ। यहाँ से इसको मैनुअली ओपन कर पाएंगे, ये तो मून रूफ भी हो जाएगा। अगर इसको पूरा ओपन करना है तो बटन से करेंगे, अभी दिखाते हैं आपको। तो चलिए पहले देख लेते हैं सनरूफ। तो इसको जैसे बटन प्रेस करेंगे हम लोग, तो ये आपका जो है सनरूफ आपका पूरा ओपन हो जाता है। यहाँ पर ये देख सकते हैं इसका पूरा व्यू आपको यहाँ, और एक बार प्रेस करेंगे तो पूरा ओपन हो जाता है। लगभग 1 फीट का जो स्पेस है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर मिलेगा क्या, अपर साइड में दो लैंप लाइट आपको मिल जाती हैं देखने को, दो माइक्रोफोन के कंट्रोल हैं, सनग्लास होल्डर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है गाड़ी में। और इसको करते हैं पहले सनरूफ को क्लोज, क्योंकि हवा चल रही है ज़्यादा, वो आपको थोड़ा सा नॉइस क्रिएट करेगा इसमें। तो ये है इसमें देख पाएंगे। और अपर साइड में इस साइड देखिए, राइट साइड में आपको ड्राइवर साइड टिकट होल्डर मिलेगा, और यहाँ पर सनवाइज़र में लेफ्ट साइड में आपको सनवाइज़र में मिलता है वैनिटी मिरर, और ऊपर साइड यहाँ पर देखिए आपको मिलेगी लैंप लाइट एक जगह वैनिटी मिरर के लिए। और IRVM है, मैनुअली एडजस्टेबल आपको यहाँ पर मिल जाता है। और ये इसका मूनरूफ का व्यू आता है। इसके कंट्रोल के जो बटन है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं, लाइट्स के कंट्रोल ये भी मिलते हैं, और दो माइक्रोफोन के कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड में एक सॉफ्ट फोल्डिंग के साथ में ग्रैब हैंडल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कीज़ का व्यू देखेंगे तो ये है कीज़, इसकी लॉक अनलॉक की दो बटन आपको मिलती है। स्विच की का ब्लू फिनिश आपको यहाँ पर मिल जाता है। और अब चलते हैं गाड़ी के बैक साइड में, यहाँ पर देखें फुटरेस्ट में, तो आपको एक देखिए यहाँ पर मिलता है डेड पैडल देखने को फुटरेस्ट के लिए। और बाकी तो सारी चीज़ वही है, आपको क्लच ब्रेक एक्सीलेटर आपको यहाँ पर मिल जाता है। चलते हैं बैक वाली सीट में, वहाँ पर चेक करते हैं स्पेस कितना है, वो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये है देखिए बैक वाला डोर है, और इसका व्यू देखते हैं। ये भी आपको पूरा डुअल टोन में मिलेगा, ब्लैक फिनिश और कॉपर फिनिश, जो क्लोथ का वर्क है वो कलर मिलता है यहाँ पर। ये देखिए क्लोथ है पूरा, जितना ये कलर अलग है, बाकी ब्लैक फिनिश ये है। क्रोम फिनिश अनलॉक की बटन है आपको यहाँ पर मिलती है, और आपको यहाँ पर मिलेगा ये मिरर कंट्रोल का बटन है। ये आपको यहाँ पर ग्रैब हैंडल मिल जाता है, ये बॉटल स्टोरेज है। यहाँ पर स्पीकर मिलता है आपको, क्रोम फिनिश में अनलॉक की बटन है। और इंटीरियर का व्यू है तो ये आपको यहाँ पर मिल जाता है। सीट्स जो है आपको सॉफ्ट में हार्ड टच के साथ में, लेकिन सॉफ्ट फीलिंग के साथ में आपको मिलेंगी। और ये आते हैं दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलेंगे दोनों सीट में। ये देखिए 40 और 60, 60-40 का स्प्लिट कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर ये वाली 40 में है और वो 60 में सीट मिलती है। और यहाँ पर बैठ के देखते हैं, चेक करते हैं स्पेस, तो देखेंगे ये पूरी सीट जो है यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये है। ये भी यहाँ पर दो पार्टीशन में है, ये वाले 60-40 यहाँ पर भी देखने को मिलता है सीट में। और यहाँ पर है ये लेग रूम, सीट पूरी पीछे है, इसके बाद लेग रूम आपको यहाँ पर मिलता है इतना। अगर इसको सीट को थोड़ा सा आगे कर दें तो ये आप लोग देखेंगे यहाँ पर कंफर्टफुली आप लोग यहाँ पर बैठ पाएंगे। और ये आते हैं बैक में, देखिए दो एसी के वेंट्स हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, चार्जिंग पॉइंट आपको मिलता है यहाँ पर, बाकी हम्प वगैरह ये है इतना। और ये है बैक में देखेंगे तो पार्सल ट्रे ये है बड़ी सी, और सबसे अच्छी चीज़ पार्सल ट्रे के पास में एक आपको बैक में यहाँ पे लैंप लाइट भी देखने को मिलती है। तो ये है नई चीज़ आपको यहाँ पर ब्रेजा में देखने को मिलती है। और जो आगे का व्यू है तो ये आप लोग देख पाएंगे, ये आता है पूरा इंटीरियर का प्रोफाइल गाड़ी का। दो लैंप लाइट आगे हैं और एक लैंप लाइट आपको बैक में मिल जाती है। तो गाड़ी आपको कैसी लगती है हमें ज़रूर बताइएगा। और चलते हैं बाहर एक बार, देखते हैं बाहर से इसका व्यू पूरा। तो ये है गाड़ी का देखिए एक्सटीरियर प्रोफाइल है, जो कि बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिल जाता है। और ये देखेंगे गाड़ी का पूरा व्यू आपको अच्छा खासा मिल जाता है। कैसी लगती गाड़ी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ में। चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इसी तरह के कार वीडियोज़ आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।